हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिक्के व एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है सिक्के व एजुकेशन में। चलिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर का शिफ्ट वाइज क्वेश्चन देख रहे हैं, तो आज हम देखेंगे 1/10/2018 का शिफ्ट वन एंड सेकेंड एंड थर्ड के क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से किया जा सकता है? तो बर्जीलियस ने। ठीक है, किसने? बर्जीलियस ने। तो मैं लूसेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसमें एक केमिस्ट्री में आएगा, आप वहाँ पर जाकर देखिए। ठीक है, मैं बायोलॉजी का कंप्लीट करने वाला हूँ और बाकी सारा वीडियो डाल चुका हूँ। ठीक है, तो आप प्लीज़ जाकर देखिए। नेक्स्ट है, कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है? तो श्वसन। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को पहले पूरा वाच कीजिए। ठीक है, वाच करने के बाद देखिए आप इसमें से कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, और मेरे से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ठीक है, अभी देख लीजिए टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है, 12:12। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में हुआ था? 1942 ईस्वी में। एक सुचालक में से 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है जिसके दोनों यानी छोर पर 4 वोल्ट की गतिज ऊर्जा पर है, तो सुचालक का प्रतिरोधकता क्या होगा? तो 2 ओम होगा। ठीक है, ये न्यूमेरिकल है, यदि न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम या फेसबुक पर मैसेज कीजिए। ठीक है, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा भुगतानों को आसान बनाने के लिए कौन सी एक भुगतान हस्तांतरण प्रणाली शुरू की गई है? तो भारत क्यूआर कोड। बताइए कि भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ठीक है, नेक्स्ट है, जब बिजली के एक हीटर स्रोत से 4 एम्पियर का विद्युत प्रवाह होता है तो टर्मिनलों के बीच इसका गतिज अंतर 60 वोल्ट होता है। यदि गतिज अंतर पर 157.5 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाता है तो हीटर कितनी विद्युत प्रवाह खींचता है? तो 10.5 एम्पियर। अगला है, देखिए न्यूमेरिकल कितना है, ये इस सेट का तीसरा न्यूमेरिकल है। एक वस्तु 4 मीटर/सेकेंड के एक समान वेग के साथ आगे बढ़ रही है जिसकी गतिशील ऊर्जा 120 जूल है, उसमें वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? तो 15 kg होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि कंपास पर पूर्व उत्तर पूर्व हो जाता है तो पश्चिम क्या बन जाएगा? दक्षिण पश्चिम बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कौन सी भौतिक मात्रा के लिए किए गए कार्य की गति को मापती है? कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है? तो शक्ति। नेक्स्ट है, अधातुओं में कौन सी चमकदार होती है? अधातुओं में कौन सी चमकदार होती है? तो आयोडीन। ठीक है, नेक्स्ट है, वजन और बल की SI इकाई क्या होती है? तो न्यूटन होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रकाश सबसे अधिक गति में किस में यात्रा करता है? तो निर्वात में सबसे ज़्यादा यात्रा करता है। ठीक है दोस्तों, मैं तेज नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत रात हो गया है और बहुत सब लोग सो रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें तेज बोलने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आप माफ़ कीजिएगा प्लीज़। नेक्स्ट है, किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? तो स्कलन काइमा में। ठीक है, मंदन क्या है? तो ऋणात्मक त्वरण को मंदन बोलते हैं। बताइए कि एल्केन का सूत्र क्या होता है? एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? तो एल्केन कहा जाता है। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक द्रव्य जिसमें 49 ग्राम साधारण नमक को 320 ग्राम पानी में घोला गया है, द्रव्य के द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में संयोजकता कितनी होती है? तो 13.28%। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक शुक्राणु प्राप्त होती है तो माता से। किससे प्राप्त होती है? तो माता से। ठीक है,
आप सभी से मेरा आग्रह है कि मैंने लूसेंट के बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये क्वेश्चन अनुवांशिकी में करा रखा है, इसलिए आप जाइए, आप बोलिएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर मेरे वीडियो में और चैनल पर क्लिक कीजिए और वीडियो के अंदर जाइए, लूसेंट पर देखिए, आपने मैंने सारे क्वेश्चन बायोलॉजी के करा रखा है। तो नेक्स्ट है फूलों की वादी राष्ट्रीय पार्क। फूलों की वादी राष्ट्रीय पार्क एक भारतीय राष्ट्रीय पार्क है जो पश्चिमी हिमालय में स्थित है। वह किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो 40। और कैल्शियम के परमाणु संख्या 20। और कैल्शियम के संयोजकता कितना होता है? तो 2 होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बताइए कि कैल्शियम किस वर्ग में स्थित है एंड किस आवर्त में स्थित है? किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी? किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी जिसे उसने दौलताबाद नाम दिया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इसे क्या कहा जाता था? मोहम्मद बिन सबसे पढ़ा लिखा था, बट इसे बताइए कि इसको क्या कहा जाता था। ठीक है, 4 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो अंशु जमशेम्पा। ठीक है, विखंडन के कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट है कौन सी ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है? तो यांत्रिक में। चलिए अब हम देखेंगे RRB ग्रुप डी लेवल 1 पोस्ट 1/10/2018 शिफ्ट सेकेंड। तो प्लीज़ दोस्तों, आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि मेरे वीडियो को प्लीज लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। और देखिए टाइम हो रहा है अभी हमारा कितना, 18 हो रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ आपसे मेरी आग्रह है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए और यहाँ पर देखते रहिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। चलिए बताइए फटाक से, पांडे वंश की राजधानी कहाँ है? ठीक है, पांडे वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मदुरै में। मदुरै कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में। ठीक है, तो बताइए कि तमिलनाडु के इस समय CM कौन बने हैं और तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? ठीक है, नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा किस संस्थान की स्थापना की गई? तो विश्व भारती। ठीक है, नेक्स्ट है किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण सिद्धांत के अनुसार, संवेग संरक्षण सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट है नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। बताइए कि उत्तराखंड में CM कौन है और वहाँ के गवर्नर कौन है? ये 2 आप बताते चलिए। ठीक है, प्लीज कमेंट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है तत्व X एक ऑक्साइड का निर्माण करता है जिसका सूत्र X2O3 है। तत्व X का अर्थ आवर्त सारणी में किसकी भांति समान समूह की संभावना अधिक है? तो एल्युमिनियम की। ठीक है, नेक्स्ट है एस्केरिस का साधारण नाम क्या है? एस्केरिस का साधारण नाम क्या है? तो यह है राउंड वर्म। मैंने बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लूसेंट का करा रखा है, सारे के सारे उसमें एक क्वेश्चन शामिल है, इसलिए आप वहां पर जाकर देखिए एक बार, उसके बाद ये देखिए। एक बिल्ली में 320 ग्राम जल में 31 ग्राम नमक है, तो द्रव्यमान प्रतिशत संबंध के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता कितनी होगी? तो -8.83%। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थों की कितनी अवस्थाएं तय की गई? तो 5। 100 kg द्रव्यमान के एक पिंड की गति 5 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड से 15 मीटर पर सेकेंड हो जाती है और उस पर एक समान त्वरण आरोपित है, तो पिंड पर आरोपित बल की गणना क्या होगी? तो 200 न्यूटन होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी कहाँ है? तो धर्मशाला में। धर्मशाला में क्रिकेट मैच भी होता है। तो बताइए कि धर्मशाला में कौन सा क्रिकेट स्टेडियम स्थित है?
ये तो हो गया। नेक्स्ट यहाँ से है, भारत की पहली यूरेनियम की खान जादूगोड़ा कहाँ स्थित है? तो झारखंड में। झारखंड के सीएम कौन है? तो हेमंत सोरेन। बताइए कि झारखंड के गवर्नर कौन है? ठीक है। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो इसका त्वरण क्या हो सकता है? शून्य। ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, हाँ, 5 मीटर पर सेकेंड की गति से आगे बढ़ रहे द्रव्यमान m की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है, तो इसकी गति दोगुनी हो जाने पर इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो 100 जूल होगी। नेक्स्ट है, द्रव्यमान बटा आयतन को क्या कहते हैं? तो घनत्व कहते हैं। अगला है, एक इलेक्ट्रिक हीटर में किसी सोर्स से 4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसका विभवांतर 60 वोल्ट होता है। यदि विभवांतर बढ़कर 165 वोल्ट हो जाता है तो विद्युत धारा कितनी होगी? 11 एम्पियर होगी। नेक्स्ट देखिए, आघात वर्धनीय धातु कौन सी है? तो गोल्ड है। ठीक है। सबसे मतलब आघात वर्धनीय धातु की बात करें तो गोल्ड है, क्योंकि गोल्ड को जितना चाहो उतना पतला परत बना सकते हो। अंतर्वेशी विभाज्योतक पाए जाते हैं किसमें? पत्तियों के तलों में। ठीक है। सौर पैनल में कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? तो कॉपर। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके समान होता है? तो क्षारीय धातुओं के समान, इसलिए तो हाइड्रोजन को क्षारीय धातु यानी फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है। किसके द्वारा किया गया तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता है? तो मेनली। ठीक है। नेक्स्ट है, आपतित किरण और प्रवर्तित किरण के बीच का कोण 80 डिग्री है तो आपतित कोण का मान कितना होगा? 40 डिग्री। ठीक है। आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 पोस्ट 1-10, ठीक है, यानी 1-10-2018 शिफ्ट 3 का यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए, कंटिन्यू बने रहिए मेरे साथ और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। यहीं आपसे मेरी विनती है, ठीक है, और मेरे फेसबुक पेज सीके वाई एजुकेशन एंड टेलीग्राम ग्रुप सीके वाई एजुकेशन पर ज्वाइन हो जाइए और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवा रहे हैं तो आपको बहुत सारा पैसा दिया जाएगा। प्लीज़ एक सब्सक्राइबर पर 5 रुपये आपको दिया जाएगा, इसलिए यदि आपको सब्सक्राइब कराएंगे तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। ठीक है। सब्सक्राइब करवाने के बाद 3 या 4 दिन बाद आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है? तो आधुनिक आवधिक नियम। ठीक है। झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो झारखंड की राजधानी रांची है। ठीक है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन किसके बीच चलाने के लिए प्रस्तावित है? तो अहमदाबाद और मुंबई। नेक्स्ट है, विभवांतर भी और विद्युत धारा आई के बीच संबंध की खोज किसने की? ओम ने। नेक्स्ट है, एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन होते हैं तो इसकी 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 मास यानी द्रव्यमान क्या होता है? ठीक है। मास का मतलब होता है द्रव्यमान। ठीक है। इंग्लिश में मास बोलते हैं, तो क्या हो जाएगी? 27। इसको ऐड कर देते हैं। एक हीरे में कितने प्रत्येक कार्बन परमाणु बंधुआ होते हैं? ठीक है, परमाणु बंध होते हैं तो 4 अन्य कार्बन परमाणु। जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ जाती है। ठीक है। जब एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होती है? तो अभिलंब से दूर भागेगी ना। ठीक है, यानी बढ़ जाती है। कौन सी तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है? तो संवहनी संबंधी तंत्र। एल्युमिनियम धातु द्वारा ही निकाला जाता है। एल्युमिनियम धातु किस विधि द्वारा निकाला जाता है? तो इलेक्ट्रोलाइटिस। ठीक है। नेक्स्ट है, शक्ति की ये सही कहें क्या है? तो वाट। झारखंड राज्य का फूल क्या है? तो प्लास। ठीक है। अब बताइए कि झारखंड के सीएम कौन है? ठीक है,
सीएम तो हमने बता दिया है, हेमंत सोरेन आप बताइए कि वहाँ के गवर्नर कौन है। नेक्स्ट है हमारे बिहार के गवर्नर कौन है, तो फागुन चौहान। और पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है, तो जगदीप धनखड़े। ठीक है, किन युग्म की एक ही एसआई इकाइयाँ होती है, तो बल और भार की। ठीक है, कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है, तो जाइलम ऊतक। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी की शिक्षा का माध्यम कब बनाया, तो 1835 में मैकाले के शासनकाल में। ठीक है, नेक्स्ट है एक बिलियन से पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 32 ग्राम है, तो द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता की गणना क्या होगी, तो 9.09%। अमोनिया का परमाणु द्रव्यमान 27 है, तो 81 ग्राम एल्युमिनियम में मौजूद मोल्स की संख्या कितनी होगी, तो 3। ठीक है, यहाँ पर एल्युमिनियम गलती लिखा है, यहाँ पर क्या होगा, अमोनिया होगा। ठीक है, अमोनियम। ठीक है, नेक्स्ट है चाल की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है, तो मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, वह वस्तुएं जिनका गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलता हो वो क्या कहते हैं, तो ऑल्फैक्टरी संकेतक। नेक्स्ट है गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा से आती हवा का सामना करती है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या है, ऋणात्मक है। 4 मीटर पर सेकेंड की एक समान वेग के साथ चलने वाली एक वस्तु में 120 जूल की गतिशील ऊर्जा होती है, तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, 15 kg होगा। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में ओलंपिक समिति के प्रतिनिधित्व करने वाले करने वाले शटलर का नाम क्या है, तो साइना नेहवाल है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सी घटना द्वारा पौधों को केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त रूप में उगाया जा सकता है, तो ऊतक संवर्धन। दोस्तों बोलने में मुंह दुख जाता है, ठीक है, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे को बहुत बोलना पड़ता है कभी कभी। ठीक है, आज मैंने 2-3 वीडियो बनाया हूँ, ठीक है, इसलिए प्रॉब्लम है थोड़ा, और देखते रहिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। वास्पोत्सर्जन क्या है, और हाँ दोस्तों मैं आज मेरे से गलती हो गई कि मैंने वीडियो बनाया था, ठीक है, सूत्र का, और क्या हुआ कि हमने सोचा कि ये कंप्रेस हो गया है और हमने उसको डिलीट कर दिया, बाद में पता चला कि मैंने कंप्रेस किया हुआ वीडियो ही फिर उसी को कंप्रेस किया हूँ। मुझे बहुत हर्ट हुआ यार, मैं क्या वादा हूँ, प्लीज़ मेरे से एक तो आज गलती हो गई और उसको फिर से दोबारा बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप प्लीज़ देखते रहिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। एक इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनल के बीच विभवांतर 60 वोल्ट होता है, तब यह स्रोत से 4 एम्पियर की धारा प्राप्त करता है, यदि विभवांतर बढ़कर 172.5 वोल्ट हो तो हीटर द्वारा प्राप्त की जाने वाली धारा कितनी होगी, 11.5 एम्पियर। हाँ दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि जल्द ही जैसे मैं 3D का फॉर्मूला करा दूंगा, तो उसके बाद ट्रिगो का फॉर्मूला आने वाला है और उसके ऊपर बेस्ट ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आप 2 सेकेंड में ही बना सकते हैं। प्लीज़ आप वेट कीजिए, अपने दोस्तों को भी बता दीजिए, क्योंकि आप देखेंगे जैसे, चलिए मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कैसा कैसा क्वेश्चन उसमें रहेगा, आप सेकंडों में आँख बंद करके उड़ा सकते हैं। लोधी वंश का संस्थापक कौन है, तो बहलोल लोधी। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, ठीक है, बाय। आज मैं कुछ नहीं कहूँगा, सब्सक्राइब कीजिए या मत कीजिए क्योंकि मेरा मुँह दुख रहा है। बाय।